नमस्कार जी, स्वागत है आप सबका फिर से प्रोफेसर साहब के चैनल पे। देखिए, आज मैं बहुत शॉर्ट में एक बात आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। 105 या उससे ऊपर गाय को बुखार, और ये बहुत बड़ी समस्या है आज हिंदुस्तान में, चाहे नॉर्थ इंडिया हो, चाहे आपका ईस्टर्न जोन हो, या कहीं पर भी हो। तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि गाय को 105 बुखार होता है, जब तक आप ब्लड टेस्ट कराएंगे, रिपोर्ट आएगी, तब तक जानवर पार हो जाता है, मतलब जानवर मर जाता है तब तक। देखिए, हमारा मकसद आप वीडियो बनाने का आज ये है कि जो हम प्रैक्टिकल अपने फार्म पे कर रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि उस चीज़ को आप सबके साथ शेयर करूँ, क्योंकि मैं जिस चीज़ का फायदा उठा रहा हूँ उस चीज़ के साथ शेयर करना चाहता हूँ आप सबके साथ। तो जैसे ही आपका टेम्परेचर लग रहा है कि 104.5 या ऊपर जा रहा है, 6-7 जा रहा है, तो पहले आप गाय का पेशाब देखिए। पेशाब अगर लाल कलर का आ रहा है, कोको कोला कलर का आ रहा है, तो आपको देर नहीं करनी है, आप समझ जाइए, रिपोर्ट आने से पहले समझ जाइए कि उसको बबेसिया हो चुका है। तो उसके लिए अगर आपको देर नहीं करनी है, आप टेम्परेचर के लिए कोई भी दवाई लगाइए, चाहे आप मेलोनेक्स प्लस लगा दीजिए या फिर मेगलोडाइन लगा दीजिए, लेकिन आपको ये जरूर लगाना है बेरनिल। ये देखिए, ये बेरनिल है RTU। ये जो है, ये इमीडिएट जो उसके जो टॉक्सिन होते हैं उसको मारना स्टार्ट कर देता है, तो ये रिपीट होता है 48 घंटे पर। तो इसको आपको लगाना है। ये लगाने के साथ साथ आपका गाय का टेम्परेचर भी कम होना चालू हो जाएगा और डिजीज कंट्रोल भी होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर पेशाब सही है, पेशाब अगर सही है, तो ये थलेरिया हो सकता है, 99% थलेरिया हो सकता है। आप ब्लड टेस्ट करने जा रहे हैं, मान लीजिए आप दूर हैं, दूर दराज के इलाके में रहते हैं, जब तक आप जाएंगे ब्लड टेस्ट कराएंगे, रिपोर्ट आएगी, तब तक जानवर मर जाएगा। आपको 105 अगर फीवर है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हो सकता है कि बहुत से दूसरे चैनल वाले इस वीडियो को क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, बोलेंगे क्या फ़ायदा इतना खर्चा करवा के, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि छोटा पशुपालक हो या बड़ा पशुपालक, गाय नहीं मरनी चाहिए किसी की। तो आपको क्या करना है, जैसे आपको टेम्परेचर लग रहा हाई है, तो आपको इमीडिएट बुपारबुकोनाइन सॉल्ट का आता है, जिसको हम जुबियोन के नाम से भी जानते हैं, मैं हेस्टर कंपनी का यूज़ करता हूँ, थाइलो केयर जिसका नाम है, आप देख सकते हैं वीडियो पे। ये देखिए, बुपारबुकोनाइन सॉल्ट है इसका, ये थाइलो केयर के नाम से भी आता है, जुबियोन के नाम से भी आता है, और भी बहुत सी कंपनियां बनाती हैं, आपको इस सॉल्ट को याद रखना है खाली। तो ये जो इंजेक्शन है, ये आपको 48 घंटे पे रिपीट होते हैं, एक आपको अभी लगा देना है, इमीडिएट लगा देना है, और 48 घंटे बाद दूसरा लगाना है। रिपोर्ट में आपको फलेरिया आएगा ही आएगा, अगर ऐसा है, अगर यूरिन साफ है और फिर भी टेम्परेचर 105 से ऊपर भाग रहा है, तो फलेरिया बहुत फैला हुआ है आज के डेट में हिंदुस्तान में, तो आपको इसको यूज़ करना है, इससे क्या जानवर आपका बच जाएगा। ये देखिए, मैं अपना एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ किसी की गाय मरे। तो बहुत से लोग पूछते हैं हमसे कि सर, आपने बताया कि हमने लगाया जुबियोन लगाया या फिर थाइलो केयर लगाया है, जानवर हमारा ठीक है, अभी बुखार भी सही है, लेकिन प्रॉपर खा नहीं रहा है, खा भी रहा है तो दूध पे नहीं आ रहा है, जितना दूध देता था 20-25 किलो वाली गाय जो थी वो आधे पे है, तो वो क्या होता है, उसकी बॉडी पे टॉक्सिन्स आ जाते हैं। तो 3 दिन आपको क्या करना है, मेगलोडाइन या फिनाडाइन वो लगाना है आपको, एक काम करना है। दूसरा, ये देखिए, अमृत के नाम से एक लिक्विड आता है, आप देख सकते हैं, ये आयरन की टॉनिक है। क्या होता है, आयरन की कमी हो जाती है शरीर में जानवर, ये आपको 50 ml करके कम से कम 4-5 दिन लगातार देना है। इससे क्या है कि हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाएगा जानवर का, आयरन की कमी भी दूर हो जाएगी, जानवर खाना खाने लगेगा और दूध पे धीरे धीरे करके वापस आ जाएगा। ये नहीं है कि आपने दवाई दी, जानवर ठीक हो गया और दूध बढ़ गया, ऐसा नहीं होता है। आपको धैर्य रखना है, 10 दिन के अंदर दूध पे जानवर वापस आ जाएगा। लेकिन आज की डेट में 1-1.5 लाख, 2 लाख की गाय होगी है, नॉर्थ इंडिया से कहीं से भी आप लेके आते हैं, जानवर को बचाना हमारा मकसद ये है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो ये वीडियो देखी है, आपको समझ आ गई होगी, और आगे भी हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।